अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपसे बैंगन का सालन बनाना शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने हरी मिर्च और सुरख मिर्च शामिल कर दी है। उसे 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को। जितना अच्छा आप भूनेंगे ना उतना अच्छे आपकी हांडी बनेगी। अच्छी तरह भुनाई करनी है मसाले की। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पीस शामिल नहीं किया क्योंकि बैंगन में ये जो चीज़ें ना स्किप कर देते हैं। आपको अच्छा लगता तो आप ला सकते हैं। मसाला हमारा रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन हमें डाल दी कि आज हम ना मीडियम कर देंगे। अब वो पड़ा कर दे देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। साथ में हल्का सा पानी, इसको हिला लेंगे। ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ हल्का सा किया है। अब हम इस पर ढक्कन दे देंगे और हल्की आंच पे इसके पकने देंगे 15 मिनट तकरीबन। हम इसे पकने देंगे, फाइनल लुक दिखाती हूँ फिर आपको। देखिए हमारे आलू बैंगन तैयार है। एक दो बार मैंने चम्मच लगाया था इसमें और फिर ये मिक्स हो गए। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिया हमने डाल दी है, 1 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी और बाद में गैस बंद कर दूँगी। और हमारी मज़ेदार खाना बिल्कुल तैयार है, आलू बैंगन का सालन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।